हेलो जी। तो लंच होने के बाद में मेरे को मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम था। मेरी वेबसाइट के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इट इज़ swatisfashion.com। तो आप वहाँ पे विज़िट करके चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट को। तो उससे रिलेटेड कुछ अपग्रेडिंग थी तो मैं उसको अपडेट कर रही हूँ। सो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं जो है उस पर ब्लॉग्स रेगुलरली लिख पाऊँ, लेकिन मैंने कुछ लिखे हैं जो कि मैं जो है एक तारीख से दोबारा इस पर अपलोड करूँगी एंड कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर हो पाऊँ। एंड आपको मेरी वेबसाइट पे ओनली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही मिलेगी। अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरी वेबसाइट ओपन करके पढ़ सकते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। सो ही हाँ मेंगे ये अभिषेक की हमेशा कंप्लेंट ही चलती रहती है, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। ठीक है ये मैंने गिले सवार एवर गिले रहे आगा गो आगे का ब्लड का आया था दी पोक्कू गिले सो उसको एक फुंसी आई तो उसने वो फोड़ दी एंड वो बोल रहा है मम्मी ब्लड आ रहा है। मतलब कुंसी करोगे तो वो लाल लाल सा हो जाता है ना, तो ही इज़ लाइक कि ब्लड आ रहा है ब्लड। और अभी क्या हुआ, मैं पूरा प्रोसेस कर रही थी, पता नहीं क्या मेरे एक सेकेंड हो मेरा ना लैपटॉप पे ज़रा ना ऐसे कॉर्नर में ज़ोर से ऐसे टच हो गया तो लैपटॉप थोड़ा ना ऐसे बम्प कर गया, तो तुरंत जो है वो शट डाउन हो गया फिर रीस्टार्ट हो गया। तो मेरा जो मैंने इतने सारे विंडो खोल के रखे थे सारे क्लोज हो गए। अभी दोबारा करो दोबारा, यू आर नॉट सपोज टू डू, यू आर सपोज टू लर्न फर्स्ट में बाबा बच्चों 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 नेट तो ना लेद नेट नेट लेद बोल रहा है कि इसमें नेट है क्या तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर नेट है क्या मैं बोलूँ नहीं, क्योंकि अगर इसमें भी इसको लैपटॉप में भी सिखा दिया या बता दिया ना तो फिर लैपटॉप भी नहीं छोड़ता। अभी फ़ोन से ही बड़ी मुश्किल से इन लोग को ना कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो लाइक चिपका दो हैं ऐसी चुम्मी देके और शेयर कर दो मेरे वीडियोस को, थोड़ा सा वायरल कर लो यार मेरे वीडियोस को। आप ही हो जो कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में। रहती हवा साथ था वो उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जुबर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं कहूँ देख ना सकूँ अनजाने रास्ते। गुंजा सकोई इक तारा गुंजा सकोई इक तारा तारा गुंजा सकोई इक तारा गुंजा सकोई इक तारा। एवरीवन गुड आफ्टरनून, अभी 12:30 बज रहे हैं और मैंने खाना अभी तक नहीं बनाया क्योंकि बैंक से रिलेटेड मुझे कुछ काम था। तो मेरे जो बैंक मैनेजर है या जो भी मेरे से जो डील करते हैं वो हमेशा घर आके, मतलब कोरोना से पहले से भी वो कुछ भी होता था तो घर आके डील करते हैं। तो मुझे कुछ था दो, मैंने बोला था 2-3 दिन पहले आने के लिए और उन्होंने बोला कि अभी आ रहे हैं हम लोग। मैंने बोला अभी मत आओ क्योंकि मेरा अभी काम नहीं हुआ है। तो वो लोग आए थे कुछ 11 बजे एंड अभी 12:30 हो चुके हैं। मैं बोल रही थी लेट हो जाएगा, आप लोग 2 बजे के बाद आ रहा। तो मैडम कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा तो लगेगा आपने जो पूछा उसके लिए, और ऐसे टाइम हो गया। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज, ओनली ड्राई फ्रूट्स खाए। सो जस्ट अभी बॉयल्ड एग खाते खाते जो मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ यहाँ पे, झाड़ू क्यों हो रहे हैं बाल। एंड आज मैंने जो रवा होता है ना उपमा रवा उसका डोसा बनाया, डोसा सर मोन कन्वीनियंट एंड चटनी। मैं घूमते फिरते ऐसे एक आध बाइट खा रही हूँ, कभी खाना भी बनाना है। 12:30 हो चुका है, कभी कभी बड़ा लेट हो जाता है। सो
ये एक अच्छी फैसिलिटी है भाई कि मेरे को हर चीज़ के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता है। चलो अभी मैंने खाना बनाती हूँ और उसके बाद पहले खा लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद अब अभी खा रही हूँ मैं ये डोसा, तो फिर लंच कब खाऊंगी। सो समटाइम्स हैपन्स, तो ज़्यादा फील होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डाइट में हो। अरे ये ऐसा हो रहा है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ओनली आपको याद रखना है कि आपको मतलब मेंटेन करना है पोर्शन कंट्रोल। एवरीवन गुड आफ्टरनून, लंच के बाद आज मैं बना रही हूँ। कल पूरा दिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि ये नेट के बड़े इशू हो रही है। जो मैंने नया कनेक्शन लिया था उसने 80 Mbps स्पीड में जो है, ये देखो पहले आई कर रहा है एंड यहाँ पे आदित्य किधर है। हाँ, सो आदित्य के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैंने जो है उसको क्या बोलते हैं ऑनलाइन से एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर दिया है और बोला है कि उसको करो, एंड ये भी बैठे हुए हैं। जो मैंने 80 Mbps की स्पीड ली थी, जब आप कनेक्शन लेते हैं ना, बहुत लोग नेट तो लगवा लेते हैं लेकिन क्योंकि सबको नॉलेज नहीं होती कि कितने स्पीड में कितना Mbps है और कितने GB की लिमिट है, उन सब की जब नॉलेज नहीं होती है तो ये जो नेट वाले होते हैं ना बहुत धोखा करते रहते हैं। सो इससे पहले वाला जो था वो भी ठीक नहीं चल रहा था, एंड अभी नया जो कनेक्शन हमने लगाया था उसमें उन्होंने बोला था कि 80 Mbps स्पीड देंगे एंड 600 GB की लिमिट थी उसमें। उन्होंने जो है नेट कनेक्शन लगाया और ऑफकोर्स जब वो 80 Mbps दे रहा है तो मैं तो स्पीड चेक करूँगी ही ना, कोई भी चेक करता ही है, तभी तो उस प्लान के लिए हम पेमेंट करेंगे। तो लगाने के बाद वो जो स्पीड था वो 25 या 30 के अंदर ही दिखा रहा था, उससे ज़्यादा क्रॉस ही नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला अभी 80 Mbps आपने दिया है, ये 30 स्पीड दिखाएगा तो मुझे तो फिर मेरा तो काम नहीं होएगा ऐसे। तो इसके हिसाब से मैं जिस पर्पज़ के लिए ले रही हूँ वो फुलफ़िल तो होना चाहिए ना। आप क्योंकि प्लान में अमाउंट चेंज होता रहता है, अगर आप 20 Mbps टू 30 या 30 Mbps स्पीड ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट इनके पास थी कुछ 500 रुपये, 532 रुपीज़ थी। अगर आप 50 Mbps के लिए जाते हो तो 800 रुपीज़ है, अगर आप 80 Mbps के लिए जाते हो तो 1200 है, एंड अगर आप 100 Mbps के लिए जाते हो तो 1700 पर मंथ, ये पर मंथ के कॉस्ट बताते हैं। उनका प्लान ऐसा था, तो जब Mbps चेंज होता है तो प्लान्स भी चेंज होते हैं, आपका अमाउंट चेंज होता है। तो जब मेरे 80 Mbps लिया है और 25 स्पीड दिखा रहा है तो मैं पेमेंट तो उसी का करूँगी ना। तो बोलता नहीं मैडम आपको ऐसे ही दिखाएगा, मैं वो दिखा रहा है मतलब मेरे वर्क में जब मैं अपना काम कर रही हूँ मेरा काम जो है उस स्पीड में नहीं हो रहा है। अगर 80 Mbps स्पीड लिया है तो बहुत फास्ट, मतलब बिल्कुल ऐसे चक्कर, वो जो लोडिंग वाला सिंबल तो आना ही नहीं चाहिए, और इतनी देर घूम रहा है ब्राउजिंग, मतलब बहुत होल्ड पे ऐसा चल रहा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द पॉइंट कि आप ज़्यादा स्पीड लेके ज़्यादा पे करके फिर वही स्पीड करो। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो नेट वाले होते हैं उनकी एक लिमिट होती है कि एक सर्वर से इतने लोगों को आपको नेट डिवाइड करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्पीड डेविएट करके एक ही सर्वर से बहुत ज़्यादा लोगों को डिवाइड कर देते हैं, और जब आप पूछोगे कि स्पीड कम आ रही है तब तो कम आ रही होती है, जैसे आप कंप्लेंट करोगे मैडम अभी चेक करो बोलते हैं और तुरंत स्पीड आ जाती है, तब वो चेंज करते रहते हैं, वो जो सर्वर में जो सेटिंग्स होती है वो करते हैं। तो दे प्ले वेरी नाइसली, तो मैंने बोला नहीं चाहिए आपका नेट कनेक्शन, निकाल दो मैं दूसरा लगवा लूँगी करके। सो अभी फ़िलहाल नेट कनेक्शन कोई है नहीं, और इसी चक्कर में कल पूरा दिन निकल गया, और मुझे था कि अभी मैं शूट भी करूँगी। पहले तो ये हो रहा था कि अभी नेट कनेक्शन नया वाला कब लगेगा कुछ पता नहीं है, हमने एक से बात करी है उनका वायर खींचने में टाइम लगेगा, सो वो चीज़ थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मतलब वीडियो थोड़ा बहुत शूट किया और उसके बाद नहीं किया और छोड़ दिया ऐसे। अभी जैसे मैं ससुराल में जाने के बाद डेटा पे जी रही होती थी अपने वीडियो अपलोड करने के लिए, अभी मेरे को डेटा पे जीना पड़ेगा ऐसे, तो वो चीज़ है। एंड ये वाला कुर्ता मैंने दूसरी बार पहना है, इससे पहले एक बार पहना था एंड उसके बाद हमने पुट ऑन कर लिया था और फिर पहना नहीं, और अभी पहना है और अभी सही आ रहा है, दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। पीछे जो है डोरी लगी है, तो वो आप उसको आगे भी बांध सकते हैं या तो पीछे भी, मैंने पीछे बांध दिया है, कभी आगे कभी तब पीछे बांध देते हैं। हम नीचे जा रहे हैं मैं और ये, हमारे पार्किंग में ना टाइल्स नहीं लगे हुए, सो टाइल्स लगवाने के लिए कुछ मॉडल्स भेजे हैं तो एसोसिएशन जो होती है डिसाइड कर दी है, तो मैं देखने जा रही हूँ अभी कैसे कलर के या कैसा है टाइल्स एक्चुअली। Thank you.
इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है कि पसीना पहुँच पहुँच के मेरी बिंदी कहीं उड़ गई। एंड अभिषेक भी आ चुका है यहाँ पे, ये देखो। एंड ये वहीं पे हम ऐसी वॉकिंग करते करते पार्क के पास आ गए। एंड पार्क में इतनी ज़्यादा घास बढ़ गई है और कोई कटिंग भी नहीं कर रहा है। एंड पहले ये पूरा पार्क बंद हो चुका था, लेकिन अभी जो है थोड़े लोग घूम रहे हैं। और टिड्डे बड़े फ्लाई हो रहे हैं यार। कुछ दिन पहले ये जयपुर में और कहाँ पे बहुत सारे टिड्डे वाली बरसात हो गई थी ना, बुरी तरह थे। देखो घास कितनी कितनी बड़ी हुई है, फिर वहाँ पे झूले लगे हुए हैं, लेकिन घास बहुत ज़्यादा है तो कीड़े मकोड़े भी बहुत हो सकते हैं। सो हम तो पार्किंग में आए थे करके मैंने मास्क लगाया नहीं था, लेकिन बच्चों को तो मैंने ऐसी आदत डाली है कि मास्क के बिना तो नीचे बिल्कुल उतर ही नहीं रहे। तो ये मैं और ये नीचे ही थे, एंड अभिषेक बाद में उतरा, और आदित्य तो अपना पेपर लिख रहा है जो मैंने उसको दिया है। और ये दोनों जो बिना मास्क के उतर ही नहीं रहे। रोज़ हाँ बोलती जैसे ही मास्क का काम हो जाता है नीचे से खेल के आ जाते हो, क्योंकि कितना भी पसीना आ जाए आदित्य या ये बिल्कुल मास्क खोल नहीं रहे खेल खेल के भी। तो मास्क भी पूरा गीला गीला हो जा रहा है पसीने की वजह से। और उसके बाद जो है मैंने बोला जैसे ही घर के अंदर आते हो सबसे पहले मास्क जो है किचन में जो काउंटर है जहाँ पर मैं बर्तन धोती हूँ वहाँ पर रखो। वहाँ पर मैंने एक सैनिटाइज़र रखा हुआ है प्लस एक हैंड वॉश रखा हुआ है सैवलॉन का, उससे मैं वॉश कर देती हूँ पूरा। सो तुरंत वहाँ रखे रहने से जो है याद रहता है भाई आपको मास्क धोने हैं, अगर कहीं कहीं पे भी फेंक देंगे ना तो याद नहीं रहता है। एंड अभी से कोई एक्सरसाइज भी कर रहे हैं अंकल जी, हाथों वाली एक्सरसाइज, और इतना पसीना आ रहा है। वहाँ पे जो चटाक से बच्चे खेल रहे हैं, एंड यहाँ पे ये अंकल जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो बाप रे क्या घुमा रहे हैं। एंड ये रे छोटे छोटे बच्चे, एंड ये रहा अपना छोटा वाला बच्चा, छोटा छोटा बच्चा बच्चा। एंड यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, अभी तो बंद है। जो थॉमीस है वो यहाँ पे रेस्ट फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। एंड ये वाले पत्ते मुझे बड़े पसंद है यार, इसको घर में भी लगाओ ना आकर। ये तो वैसे पेड़ है लेकिन लंबे वाले पॉट्स में भी अच्छा लगता है ये। तो क्या करते थे मालूम है, जैसा ऐसा कुछ हो गया ना उसको ऐसे, अरे नहीं निकला सही से। देखो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं ये शेप, है ना, भगवान की जो बनावट है हर पेड़ की हर फूल की अपनी अपनी ब्यूटी है। सो ना जब स्कूल में थे ना तो हम क्या करते थे, ऐसे जैसे बड़े पत्ते भी होते थे ऐसे करके एक सेकंड इसको खींच लेते थे और ऐसे पकड़ के ले दोस्त तू मेरी बेस्ट फ्रेंड करके ऐसे देते थे। एंड जैसे वो पकड़ते थे ये छोड़ देते थे तो ओनली डंडी बजती थी तब। మనమా ఇలా నడుచుకుంటా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదాం। बोल रहा है कि मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, डैडी वहाँ पे है, हम क्या अभी चलते चलते हैदराबाद चले जाएंगे क्या। मैंने बोला आज हम पैदल ही चलने वाले हैं हैदराबाद करके।
हेलो जी। सो हम फिर प्रस्तुत हो चुके हैं आप लोग के सामने। सो एक्वेरियम का सेटअप अभी वो भैया लोग करके गए हैं, तो इनको तो मची रहती है खुजली की कुछ ना कुछ सेटअप चेंज करते रहें। तो अभी इन्होंने एक्वेरियम शॉप पे देखा था कि ये जो ऑक्सीजन के जो बबल्स वाले होते हैं ना, वो पीछे पता नहीं कुछ पाइप सेट कराई है इन्होंने, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थी, मैं अपना काम कर रही थी, तो ये वहाँ पे करा रहे थे। सो अभी अच्छा लग रहा है एंड और भी कुछ कुछ होने वाला है। सो आप जब होगा तब मैं आप लोग को दिखा दूँगी। ये इतना मतलब इनको इतना इंटरेस्ट है एक्वेरियम से रिलेटेड कि क्या ही बताऊँ मैं। वो तो आपको पता ही लग गया होगा, कभी हम मतलब कभी ये मछलियाँ लेके आते हैं, कभी अंदर की कुछ चीज़ें लेके आते हैं। तो अभी बबल्स का लगाया तो पूरा लाइन से जो है पीछे ऐसे ऊपर बबल्स आ रहे हैं। एक तो ये है कि उससे मछलियाँ भी थोड़ी अच्छी रहेंगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है ना तो हेल्दी रहती हैं मछलियाँ। तो जब हम यहाँ पे नहीं थे, जब हम ससुराल में थे, तो हमारी मछलियों का कारण मरने का कारण ये था क्योंकि जो ऑक्सीजन के जो दो मोटर्स लगे हुए हैं, तो जिस बंदे को हमने लगाया था उसको एवरीडे दाना डालने के लिए, तो बीच बीच में जब मछलियाँ मर रही थी तो नेट डाल के जो है उन्होंने मछली को निकाला था। और उनको इतना नॉलेज नहीं था कि ऐसे निकालते टाइम कुछ अगर फंस गया तो पाइप निकल सकती है। तो प्रॉब्लम ये हुई थी मछलियों का मरने का कारण ये था, ये नहीं था कि हम लोग नहीं थे। तब उन्होंने मरी हुई मछलियाँ जब निकालने लगे तो जो ऑक्सीजन वाले जो मोटर्स लगे हैं उसके साइड में जो पाइप लगी थी वो खींची थी। और जब हम लोग एंटर हुए, मैंने ही सबसे पहले देखा, दोनों साइड की पाइपें ही नहीं थी, निकल गया था, मोटर से अटैच ही नहीं थी। तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं होने के कारण बाकी सारी मछलियाँ मर गई थी। तो आप थोड़े ज़्यादा इक्विपमेंट्स लगा के रखेंगे, अगर एक भी बंद हो जाए तो दूसरा तो चलता रहेगा। एंड जैसे फाइटर फिशेस जो होती है ना, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना मतलब आप नॉर्मली जो ट्रांसपेरेंट सा गोल सा बाउल आता है उसमें भी आप डाल दोगे पानी डाल के बस, तो वो जिंदा रहेगी। लेकिन सारी मछलियाँ ऐसे नहीं होती है। तो हाँ मामा, अभी अभिषेक को बोर मार रहा है बोलते, क्योंकि नेट है नहीं तो देखने के लिए। हमारे घर में हमने जो है केबल कनेक्शन भी नहीं लगाया क्योंकि फालतू में केबल के लिए हम लोग पे कर रहे थे। एंड मतलब ससुराल जाने से पहले तो केबल कनेक्शन था, और होने के बावजूद भी कोई तो टीवी देखता नहीं था, मैं देखती नहीं थी। और ये भी कभी लगा मतलब आते थे तो नेट ही ऑन करते थे, एंड बच्चे भी नेट ही ऑन करते, तो इस वजह से मैंने बोला फालतू में केबल के पैसे दे के वेस्ट हो रहा है। फिर आने के बाद मैंने उसका रिचार्ज करवाया ही नहीं जो केबल कनेक्शन होता है। एंड अभी जब नेट भी नहीं है तो अभिषेक बोल रहा है मेरे को बोर मार रहा है, मैं क्या करूँ करके बोल रहा है। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी नेट आएगा तब, नहीं तो फिर फ़ोन करना पड़ेगा केबल वाले भैया को कि रिचार्ज कर दो, तो वो कर देंगे, वही हो सकता है अभी। सो जो मछलियों के बारे में मैं बता रही थी कि जो हमारे एक्वेरियम में बची थी वो ओनली गौरामी फिश बची थी और डॉलर्स बची थी, बाकी सब मर गई थी। क्योंकि ये दोनों जो है थोड़ा उसको ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा ना, तो फिर भी अपने आप को मतलब डॉलर्स भी वैसे बहुत मरी थी, ओनली बची जो थी वो गौरामी ही थी, तो वो था। तो अभी इतनी सारी ऑक्सीजन लगाई तो वो बबल्स देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो मेरे ख्याल से पूरा सेटअप पीछे जो है हमारा एक्वेरियम क्योंकि बड़ा है, तो उन्होंने जो पीछे पाइप लगाई है वो थोड़ी छोटी छोटी है, तो अभी तो दो ही लगाई है, तीन लगाना पड़ेगा या दो से एनफ हो जाएगा पता नहीं। मैं बता तो रही हूँ क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, फ्यूचर में भी अगर आप एक्वेरियम का कुछ सोच रहे हो तो आपको एक आइडिया ज़रूर आ जाएगा। एंड घर में एक्वेरियम रखना बहुत अच्छा भी माना जाता है, जो कोई नज़र या कुछ बोलते हैं यार पता नहीं, अच्छा बुरा का तो पता नहीं, अपने को अच्छा फील कराता है वो काफ़ी है बस। सो वो चीज़ है। एंड बच्चों ने खेल कूद के आ गए, आदित्य अभी अपना उसने पेपर आधा किया, आधा फिर भी बाकी है, वो 2 घंटे का पेपर पूरे दिन लिख रहा है। मैंने बोला चलो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा तो भी चलेगा। एंड अभी दोनों नीचे जाके खेल के आ गए और नहा भी चुके हैं, और अभी मेरे को इन लोगों को खाना खिलाना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो अंगूठा चिपका देना एंड वीडियो को शेयर भी कर लेना एंड सब्सक्राइब घंटी बजा के कर लेना। चलिए मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।